धे टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ 18 वर्ष से अधिक की उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण कर लिया है? आपके ऑप्शन है ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश अथवा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हिमाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक की आयु के 100% लोगों का टीकाकरण कर लिया है। हालांकि इन 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है और दूसरी खुराक लेनी अभी बाकी है। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आईएनएस अनवेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला कि भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज होगी। दूसरा, इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित और इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज यानी एफटीआर आईएनएस अनिवेश का समुद्री परीक्षण इस महीने शुरू होने वाला है, जिसके अगले 2 महीनों में जहाज के चालू होने की उम्मीद है। लगभग 9000 टन वजनी इस जहाज को कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग आबादी या समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? आपके ऑप्शन है ए ये एक जूनोटिक वायरस है, बी पहली बार ये वायरस साल 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था, ऑप्शन सी फ्रूट बैट्स को निपाह वायरस का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, अथवा ऑप्शन डी सबसे पहले ये रोग बंदरों में दिखाई दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी डी में दिया गया कथन सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना के बाद अब निपाह वायरस का खतरा मंडरा रहा है। केरल के बाद अब तमिलनाडु में कोयम्बटूर में भी निपाह वायरस से संक्रमित एक मरीज का मामला सामने आया है। निपाह एक जूनोटिक वायरस है यानी यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। पहली बार यह वायरस साल 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। सबसे पहले यह रोग घरेलू सुअरों में दिखाई दिया था और उसके बाद कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में भी पाया गया था। फ्रूट बैट्स को निपाह वायरस का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। बता दें कि फ्रूट बैट्स को फल चमगादड़ या फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रयान 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, चंद्रयान 2 के जरिए भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने की ये पहली कोशिश थी। दूसरा, इस अभियान में ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में पहुंचा दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में चंद्रयान 2 मिशन के 2 साल पूरे होने पर इसरो ने एक विज्ञान कार्यशाला आयोजित की। बता दें कि चंद्रयान 2 लगभग 3877 किलोग्राम का एक एकीकृत 3-in-1 अंतरिक्ष यान है। इसमें चंद्रमा का एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। चंद्रयान 2 के जरिए भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने की ये पहली कोशिश थी। इस अभियान में ऑर्बिटर को तो सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में पहुंचा दिया गया, लेकिन इसके बाद चंद्रमा की सतह से कुछ ही दूरी पर लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। इस तरह दुर्भाग्यवश यह मिशन पूरी तरह सफल नहीं रहा। हालांकि इसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और महत्वपूर्ण डाटा
भेज रहा है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? आपके ऑप्शन है ए हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, ऑप्शन बी सभी केंद्रीय मंत्रालयों को आपस में डिजिटल रूप से जोड़ने वाली एक परियोजना, सी बिना अंतरिक्ष मिशन भेजे ही तारों के बारे में जानकारी हासिल करने वाली एक परियोजना, अथवा ऑप्शन डी सभी भारतीयों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाली एक परियोजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्टारलिंक प्रोजेक्ट चला रही है। इसका उद्देश्य हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। जल्द ही इस सेवा के भारत में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस संबंध में रेगुलेटर से अप्रूवल की प्रक्रिया चल रही है। इस सेवा के भारत में उपलब्ध होने के बाद दूरदराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठाया जा सकेगा, जहां इसमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।